सरकार बनने के बाद होली का उत्सव आया है और देखिए होली का रंग बहुत चटक दिख रहा है। होली मिलन समारोह प्रेम कुमार जो मंत्री हैं उनके घर पर मनाया जा रहा है सरकार बनने के बाद। अरे ये होली तो वैसे ही अन्य होली से और वर्ष से अलग है। ये इस होली में राम का काम हुआ है तो देश भर के सारे सनातनी इस होली के वास्तविक रंग में रंगेंगे। तो जब सरकार बनी हो और होली आ जाए तो होली का रंग ज्यादा चटक हो जाता है। तो बीजेपी की सरकार बनी है, जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी है और उसके बाद होली का महोत्सव आ गया है। तो होली महोत्सव मनाया जा रहा है पटना में, जहां पर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहां पर आकर के होली मिलन समारोह मना रहे हैं। तो ये तस्वीर है पटना के औसर कम्युनिटी हॉल का, जहां पर बीजेपी की तरफ से एक होली अभिनंदन समारोह है, होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर बीजेपी के नेता सब आकर होली महोत्सव मना रहे हैं, होली मिलन समारोह मना रहे हैं। तो यहाँ पर अबीर गुलाल तो लोग खेल ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है। तो यहाँ पर सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पहुँचे हुए हैं और होली मिलन समारोह चल रहा है। तो पार्टी की सरकार बनी है, पार्टी सत्ता में आई है और ठीक उसके बाद होली का त्यौहार आया है। तो होली का रंग काफ़ी चटक दिख रहा है, काफ़ी उत्सव वाला माहौल दिख रहा है। वैसे लालू यादव की होली तो मशहूर है देश दुनिया में, कुर्ता फाड़ होली, लेकिन लालू यादव समय के साथ बुजुर्ग हो गए हैं, अब होली कुर्ता फाड़ होली खेलते नहीं। ऐसे में एक नई तस्वीर होली की हम दिखा रहे हैं, किस तरह से होली का रंग बिहार में बदल गया है उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर लोग अबीर गुलाल लगा रहे हैं, दूसरे के गले लगा रहे हैं, मिल रहे हैं और नेता आकर यहाँ पर भाषण भी दे रहे हैं। और नीचे देखिए जो कार्यकर्ता हैं अबीर गुलाल से पूरी तरह से लिट चुके हैं। देखिए सभी जो कार्यकर्ता हैं होली अबीर गुलाल से सरोवर हैं और होली का जश्न चल रहा है यहाँ पर। सरकार बनने के बाद होली का उत्सव आया है और देखिए होली का रंग बहुत चटक दिख रहा है। होली मिलन समारोह प्रेम कुमार जो मंत्री हैं उनके घर पर मनाया जा रहा है और उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता मंत्री सब आ रहे हैं यहाँ पर। तो सरकार बनने के बाद होली का महोत्सव बड़े धूमधाम से सत्ताधारी दल द्वारा मनाया जा रहा है। मंत्री अपने अपने घर पर होली समारोह मना रहे हैं, प्रेम कुमार के घर पर होली समारोह मनाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीर, उनके घर पर लोग आए हुए हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है और मंच पर हैं प्रेम कुमार जो लोगों को अबीर गुलाल लगाकर होली मना रहे हैं। तो तस्वीर मैं दिखा दूं एक बार फिर से आपको, कैसे होली का रंग चटक दिखाई दे रहा है। प्रेम कुमार मंत्री हैं और होली खेल रहे हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ। तस्वीर है यहाँ सरकार बनने के बाद। अरे ये होली तो वैसे ही अन्य होली से और वर्ष से अलग है। ये इस होली में राम का काम हुआ है तो देश भर के सारे सनातनी इस होली के वास्तविक रंग में रंगेंगे और जिसने राम का काम किया है ही काम करेंगे। सत्ता में आए हैं तो होली का रंग चटक हो गया, सत्ता में आए हैं तो होली का रंग चटक हो गया। बिल्कुल सही बात है, स्वाभाविक है ना। देखिए जितने भी त्योहार पर्व मनाए जाते हैं उसमें आध्यात्मिक लगाव है। जो होली हम मनाते हैं, असत्य पर सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय, इसलिए ये तो उस समय में हुआ, अभी भी यही होगा। अभी भी राष्ट्र के प्रति धर्म के प्रति अश्रद्धा रखने वाले पर श्रद्धा रखने वाले का विजय होगा। होली गाइए भैया। भैया मंत्री यहाँ पर होली खेलकर जा रहे हैं। तो ये थे समाज कल्याण विभाग अति पिछड़ा विभाग के मंत्री। देखिए ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ मंच पर, प्रेम कुमार यहाँ पर होली खेल रहे हैं। होली है।
होली मना रहे हैं, सत्ता में आने के बाद कैसा लग? बहुत अच्छा लग रहा है। रंग झटक है पूरा बिहार में, होली लोग मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, खुशी का त्योहार है, पूरा देश मना रहा है। ये की सरकार है और होली है, एनडीए डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार आ गई है। अब कह रहे क्या है, कितने खुश हैं मंत्री, वो कह रहे हैं कि अभी सरकार बनी है और इस बीच होली का महोत्सव आ गया है तो होली का रंग बहुत चटक हो गया है। तो ये तस्वीर है, ये तस्वीर है प्रेम कुमार जो मंत्री है उनके घर की। तो यहाँ पर देखिए क्या माहौल है, उत्सव का माहौल है।